गाइस आप सब कैसे हो? आए हो आप सब ठीक ही होगे। तो अभी के बज रहे हैं 6, तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं। मेरा बाबू पढ़ाई कर रहा है, तो चलो अब हम चलते हैं बाबू की तरफ, तो देखते हैं बाबू क्या पढ़ रहा है पढ़ाई में। तो बाबू ने क्या बनाया? बाबू छोटा बनाना सीख रहा है। तो बाबू ने अभी बना दिए जीरे अंडे, क्योंकि आप धीरे धीरे पेन से पकड़ना सीख रहा है। तो जैसे ही बनता है मेरे बाबू से, तो वो वैसे ही पेन से पकड़ के कुछ भी बना देता है। तो अभी पेन से पकड़ना सीख रहा है, तो चलो इसको अभी हम इस पर लिख दिया है मेरे बाबू ने, तो इसको चलो हम वॉश कर देते हैं। तो मैंने इसको वॉश कर दिया है। और फिर बनाया बाबू ने छुट्टा, देखिएगा बाबू ऐसे नहीं, नुक टूट जाएगी, ऐसे नहीं पढ़ते। देखो ऐसे देखो, अब बाबू बनाएगा मेरा छुट्टा आ। तो बाबू ने बना दिया ये छुट्टा आ। अब बनाएगा बाबू बड़ा आ। तो ये बन गया, ये बन गया बड़ा आ छुट्टी। तो देखो ये बड़ा बन गया, ये बन गया छुट्टी। तो ये बन गई बड़ी, अब बनेगी छुट्टी। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं। तो बाबू ने इतना लिख लिया, बाबू फिर से चलाएगा, तो देखिए। चलो तो अब बाबू कह रहा है कि मम्मा आप मैंगो बनाइए। तो चलो अब हम गाइस आपको दिखाते हैं मैंगो बनाकर। तो गाइस कहीं जाइएगा मत, पूरी वीडियो जरूर देखना। तो बाबू हैंड हटाइए आप, जब हम बनाएंगे। तो देखो गाइस, आप ही ने तो बोला मैंगो बना, तो मैंगो तो बना रहे। तो देखो गाइस अब हम बनाते हैं मैंगो। तो सबसे पहले हम खींचेंगे रकीच। अब बाबू मैंगो बनाने नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ गाइस? देखिएगा ना, तो खुद ही पढ़ रहा है, ना ही बनाने दे रहा है। उसी पर बोल रहा है कि मम्मा आप मैंगो बनाइए, ना ही ये मैंगो बनाने दे रही है, और ना ही वो देखिएगा सर रख कर उसी पर सो गई है। चलो ला भाई अपन मैंगो बनाए, मैंगो चिड़िया। ठीक गाइस को दिखा दो, मेरा बाबू पढ़ता है, लाओ हम दिखा दें। दिखाओ बाबू। हाँ तो बना छोटा जल्दी। गाइस आप लोगों को देख रहे हैं कि बाबू पढ़ाई में क्या बना रहा है, क्या लिख रहा है बाबू, तो इस पर लिखिएगा। तो गाइस आप लोगों को देख रही है, बनाइए। इधर बनाइए, हैंड पे नहीं बनाया जाता, इधर बनाओ। इधर ये है ना स्लेट आपकी, इस पर बनाओ, जल्दी बनाओ छोटा। तो देखो गाइस बाबू छुट्टा बनाएगा, किस तरीके से बाबू छुट्टा बनाए। देखो एक यहाँ पे ऐसा किया, फिर ऐसा किया, तो ये बन गया छुट्टा। तो देखिएगा अभी तो पेंसिल ही पकड़ना सीख रहा है, कोशिश हो जाएगी बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा बाबू। अभी तो उसका अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसलिए अब धीरे धीरे सब कुछ सीखेगा बाबू, पेंसिल पकड़ना, ए बी सी डी लिखना, छोटा बड़ा लिखना। तो एक साथ सभी सीख कर थोड़ी ना आते, हर चीज़ माँ बाप ही तो सिखाते हैं, और कौन सिखाएगा उसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो माँ का ही सपोर्ट होता है, क्योंकि पिताजी तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो माँ ही सिखाएगी ना इसको। तो माँ ने इसको ए बी सी डी भी सिखा दी है पढ़ना, और इसको छोटा बड़ा भी सिखा दिए हैं, और क्या कहते हैं इसको 1 2 3 भी आते हैं मेरे बाबू को, और बाबू को बॉर्डिनेंस भी आते हैं, क्योंकि मैंने इसको सब कुछ सिखा दिया। लेकिन इसको अभी लिखना नहीं आता है, इसको पढ़ना आता है। तो ये जिस व्यक्ति को पढ़ना आता है ना, तो वो लिखना बहुत जल्द सीख जाएगा। तो अभी इसका मन नहीं है, तो देखिएगा बाबू पढ़ते पढ़ते उसको आलस आ गया है। तो देखिएगा बिस्तर पे जाकर लेट गया है, पेंसिल हाथ में लिए है। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं बाहर, बाहर का देखते हैं कैसा क्या मौसम है, क्योंकि गणेश जी तो कल बैठ चुके थे, तो आज गणेश जी की दूसरी आरती है। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं। तो बाबू स्लेट यहीं पर रख दो, पहले घूमने करने चल रहा है, ये यहीं रख दो। हाँ तो ठीक है लेके चलो। तो गाइस हम बाहर चलते हैं, बाहर का मौसम देखते हैं कैसा क्या मौसम है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं बाहर का क्या मौसम है। आओ तो हम गाइस हम आ चुके हैं बाहर, तो बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं। मैंने क्योंकि यहाँ पे मौसम हो गया था,
बारिश का तो कपड़े देखिएगा सारे गीले पड़े हुए हैं, तो मैंने जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पर डाल दिए, ये सारे कपड़े गीले, ये भी गीले, ये भी गीले, और ये तो गीले है ही और ये भी गीले है जितने गोदेज पर टके हुए। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर की ओर और देखते हैं।